और देश जिस संकट से अभी गुजर रहा है, संविधान पे खतरा ही नहीं है। कल हमने देखा कि तमिलनाडु में बाबा साहब को भगवा कलर का सूट पहना दिया गया है। अगर आज अंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू होते और जो हालात है, तो आज ये तीनों एक खेमे में होते और आरएसएस हिंदू ब्रिगेड के खिलाफ खड़े होते। अगर ईवीएम इतना ही अच्छा है तो जर्मनी में भी ईवीएम से करवा लो इलेक्शन, वहां भी करवाओ, क्यों 2005 से बैन किए हुए। इसका मतलब है कि अगर फॉरेन से सर्टिफिकेट ले रहा है सरकार, इलेक्शन कमीशन, तो ईवीएम में हेरा फेरी है, ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट चाहिए। सम्मानित मंच और जितने सभा में साथी भाई बहन हैं, आप सबको जय भीम। मैं आज श्रोता की तरह मैं बैठ के सुन रहा था, कभी कभी सुनने में भी मजा आता है, तो काफी बातें हो चुकी हैं। हमारे साथी, हमारे से पहले के जो वक्ता हैं, वो काफी कुछ बात कह चुके हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूं और यहां न किसी संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक प्रोफेशनल इतिहास के छात्र होने के नाते, एक एक्टिविस्ट होने के नाते यहां पर मैं बोलने आया हूं। और इतिहास में हम लोग पढ़ाते हैं कि रोल ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की भी भूमिका होती है। और इतिहास जो है बहुत ही गंभीर और गूढ़ विषय है। आपको लगता होगा कथा कहानी है, नहीं। एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा। सरकारें अगर बदलती हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कहीं भी सरकार बदलती है तो सबसे पहला काम करती है सरकार क्या? सबसे पहला काम करती है कि इतिहास का टेक्स्ट बुक बदल देती है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बदलती, वो इतिहास का टेक्स्ट बुक बदलती है। इसलिए इतिहास ऐसा गंभीर विषय है, अगर पूरी जानकारी और समझ ना हो तो उसमें हाथ ना डालें, अदरवाइज समाज को गुमराह करेंगे। और मैं बहुत गंभीरता से, भारत के कोई भी बुद्धिजीवी हो उनके साथ इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हूं। मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूं, इसलिए अर्थशास्त्र पर नहीं बोल सकता। मैं अंग्रेजी का छात्र नहीं हूं, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पर जरूर दावेदारी हमारी है। और देश जिस संकट से अभी गुजर रहा है, संविधान पे खतरा ही नहीं है। कल हमने देखा कि तमिलनाडु में बाबा साहब को भगवा कलर का सूट पहना दिया गया है। संविधान पे खतरा नहीं है, ऑलरेडी उसका हिसाब किताब किया जा चुका है। ये आखिरी क्षण है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और सिर्फ इशारा भर कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े बगैर आधिकारिक रूप से टिप्पणी करना ठीक नहीं है, उससे समाज गुमराह होता है। अगर आज अंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू होते और जो हालात है, तो आज ये तीनों एक खेमे में होते और आरएसएस हिंदू ब्रिगेड के खिलाफ खड़े होते। भाई मोदी जी कह रहे हैं 70 साल में क्या हुआ, तो 70 साल में जो हुआ था कि हम लोग सब सफेद सफेद कुर्ता पजामा शर्ट पैंट पहन के बैठे हुए, तो वो आपके शत्रु नंबर वन हो गए। और जो 70 साल में बना था उसको बेच के बर्बाद कर रहा है और आपकी कमर तोड़ रहा है, वो आपके शत्रु नंबर वन नहीं। इतिहास 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है, संभावनाओं का खेल होता है। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और न पार्टी से मेरा कोई संबंध है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाइए, और ये बात मैं आज नहीं बोलता, एक बड़ा मंच है, इस बड़ा मंच से जो है बगैर इतिहास के ज्ञान के इतिहास का ज्ञान दिया गया है, इसलिए वो कहना जरूरी मैं समझता।
बंगाल का जब पाकिस्तान विभाजन हो गया था तो डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई थी। वो फिर राज्यसभा में कैसे आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे आए? 1948 में जो भाषण उन्होंने दिया था लखनऊ में, क्या बोला था? यहां पृथक निर्वाचन हमें नहीं मिला, लेकिन इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, किसी को भी नहीं मिला। हमें सब कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला। ये लोग पढ़ते नहीं है। 24 अप्रैल 1948 का जाकर देखिए, पंत सरकार के खिलाफ जो भाषण वहां दिया गया था, दिल्ली में हंगामा मचा था। उसी 70 साल में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला, रिजर्वेशन लागू हुआ, जितना भी लागू हुआ, एक मिडिल क्लास बन गया, बाबुओं का संगठन बन गया। और आज निजीकरण हो रहा है, सारी नौकरी खत्म हो रही है, तो यह नहीं दिख रहा है। मैं थोड़ा बहुत राजनीति समझता हूं। अगर आज मुझे 50+1 में सरकार बनती है, यह बीजेपी सरकार जिस तरीके से नेस्तनाबूद कर रही है संस्थाओं को, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी संस्था देख लीजिए, आज इस बीजेपी को हराने के लिए कोई भी ग्रैंड अलायंस बनता है, उसके साथ खड़ा होऊंगा। अभी मैं गांधी और अंबेडकर को लड़ाने के मूड में नहीं। जो लोग लड़ा रहे हैं वो समझे आज किसकी वो मदद कर रहे हैं। अरे अंबेडकर साहब ने यह भी तो लिखा, किताब में पढ़ो, कि मैं किसी सिद्धांत विहीन दलित के साथ बैठने से बेहतर होगा मैं गांधी के साथ बैठूंगा, क्योंकि गांधी के साथ मेरी वैचारिक लड़ाई है। यह नहीं पढ़ा है? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने गजट छुट्टी दी थी, उसी में जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया अंबेडकर ने, और कहा भी कि ईमानदार आदमी है जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी खराब है, नेहरू खराब है, गोलवलकर ठीक है, यह पढ़ा रहा हूं मैं इतिहास। अरे दोनों के रास्ते अलग अलग थे। बाबा साहब ये मान चुके थे कि 1932 में पूना पैक्ट हो गया। बहुत सारे हमारे लोग बोलेंगे, मैं सुनता हूं, इतना बड़ा समाजशास्त्री भाषा विज्ञानी हो गया है, कई बार बोलेगा जगजीवन राम का डर था। जब आजादी हो गई, पूना पैक्ट लागू हो चुका था, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जगजीवन राम ही बड़ा नेता था। उसके जमाने में जितना रेलवे में, टेलीग्राफ में नौकरी मिली, आपके तोंद निकल गए, वो नहीं सुनाई दे रहा है? तोंद निकल गए तो वही कह रहा है कि गद्दार आदमी था। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, मैं समीक्षा कर रहा हूं इतिहास का छात्र होने के नाते। मोदी साहब पूरा RSS बर्बाद कर रहा है, उस पर अटैक नहीं है, अभी अटैक है। क्या जरूरत है अभी अंबेडकर और गांधी को आमने सामने करने की? उसकी समानता ढूंढो, नहीं तो जिसको बहस करना है किताब लेके आओ, पेज नंबर लेके आके मैं भी बहस करता हूं। मुल्क संकट में है, संविधान संकट में है, 24 में अगर आ गया तो मनुस्मृति आधा तो लागू ही है, पूरा लागू हो जाएगा। गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहना, जगजीवन राम को, जिस दिन से जात जात की पार्टी बनी है, नोट कीजिए, 90 के बाद जात जात की पार्टी बनी है, उसी दिन से बहुजनों की हकमारी शुरू हो गई। आप कह रहे हैं मुझे हिस्सेदारी मिले, मैं कह रहा हूं अडानी अंबानी को नेशनलाइज करो, नेशनलाइज करो। ये नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ, ये याद नहीं है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान आया, याद नहीं है? नौकरी मिली? इसलिए इतिहास का आधा अधूरा गया। पहले तो हम लोग थे, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था, आज कुछ निकल रहा है क्या? लेकिन यहां लोग मैसेज देते हैं कि वो शत्रु नंबर 1 है, तो शत्रु नंबर 2 कौन है ये भी बता दो। कल मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, भूपेश बघेल सरकार, 76% आरक्षण लागू किया है, बधाई दीजिए। और मैं इसी मन से मैंने कहा था कल कि नीतीश कुमार जी देश भर घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार में 80% लागू कर दो, यही एक रास्ता है प्रधानमंत्री बनने का, और कोई रास्ता नहीं है। इस देश में लड़ाई सीधी और सीधी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई है, कोई कंफ्यूजन नहीं पालने का है। हम वो कई साथी कह रहे थे कि भूपेश जी ने जो 76 किया कोर्ट में, पेच लगा देगा। हमने किस बात का पेच लगाएगा भैया? EWS गैर संवैधानिक, तुमने सुप्रीम कोर्ट से भी पास करा दिए, अब आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इस मंच से
मैं किसी भी सरकार को, मैं कह रहा हूं गुजरात सॉरी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु मॉडल सब राज्यों में लागू करो। अगर कोर्ट उसमें पेच लगाती है तो कोर्ट की बात मत मानो, कोई जरूरत नहीं कोर्ट की बात मानने की। कोर्ट अगर संवैधानिक बात कहेगा तो उसका सम्मान है, और गैर संवैधानिक बात कहेगा तो उसका सम्मान नहीं है। यह बात है साथियों। बहुत सारे अभी भाई चंद्रशेखर भी है, कई लोग बोलने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बात कह के बात खत्म करूंगा। इतिहास की समझ बनाइए। घर में भी झगड़ा होता है ना, तो जो मजबूत रहता है उसके खिलाफ जो है ना जितने कमजोर हैं एक तरफ अपना गठबंधन बना लेते हैं। आप देश की राजनीति करने चले हो और इतनी समझ नहीं है न। मैं तो कहा हूं कि यहां से बहुजन घोषणा पत्र जारी कीजिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जो जो नेता घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग आए, बोले बताओ इसमें क्या स्टैंड है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, चलो 500 आदमी खड़ा हो जाओ बहुजन एजेंडा लेकर, कि बताओ इसमें क्या स्टैंड है। यहां तो अपने अपने चक्कर में रहते हैं लोग। इतने इतने नौजवान लड़का सब पता नहीं कहां है, हमारे रिटायर्ड लोग सब मिशन चला रहे हैं। बहुजन एजेंडा हमें नहीं चुनाव लड़ना है। यहां बहुत व्यक्तिवादी बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, महत्वाकांक्षा थोड़ी बड़ी बना लो। हमारी दिलचस्पी एजेंडा सेटिंग करने में, एजेंडा सेट करो समाज के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो है, कीमत भी चुका रहा हूं, ये अपने बारे में अभी नहीं बोलू। तो इस मंच से ये घोषणा हो। चलते चलते ईवीएम पे इशारा कर दे रहा हूं, वैसे बोलने के लिए तो मास्टर आदमी दो घंटे बोल सकता हूं लेकिन समय नहीं। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई हुई अभी भारत में, फोटो देखा हुआ अखबार में आज, और ईवीएम पे हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कई वर्षों से। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर वहां पे इलेक्शन कमिश्नर जो है ले जाके बटन दिखवा के इसे बटन का फोटो लगा हुआ है, आप मेरे ट्विटर पे और फेसबुक पे देख लीजिएगा। वो क्या ऑथेंटिसिटी ले रहा है, कहां से? जर्मनी से। मैंने लिखा है आज कि मैडम जी नमस्ते, अगर ईवीएम इतना ही अच्छा है तो जर्मनी में भी ईवीएम से करवा लो इलेक्शन, वहां भी करवाओ, क्यों 2005 से बैन किए हुए। इसका मतलब है कि अगर फॉरेन से सर्टिफिकेट ले रहा है सरकार इलेक्शन कमीशन, तो ईवीएम में हेरा फेरी है, ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट चाहिए। दोस्तों ये ईवीएम कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एजेंडा पे है। ये वही जो लोग आपके बूथ लूटते थे वही लोग ईवीएम लूट रहे हैं, सारा वीडियो सब आ रहा है। सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार था, और इसीलिए कहा गया था कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा। जब निकालने लगे तभी ईवीएम की लीला शुरू हो गई। हमारे सामने दोहरी चुनौती है, और मैं तो 10% सुदामा कोटा वाले को भी कहता हूं कि झुंझुना पकड़ा दिया, सारा बेच रहा है, कहां मिलेगा। तो जनऊ लीला और पूंजी लीला दोनों कंबाइंड, दोनों से साथ साथ लड़े जाने की जरूरत है। शुक्रिया, जय भीम।